नमस्कार, हमारे चैनल माँ की देसी रसोई में आपका स्वागत है। आज हम ये लौकी का बड़ा बनाएंगे। तो इसको हम गोल गोल काट लेंगे छीलकर। इसको हमने अच्छे से धो लिया है और रख दिया है साफ करके। इसके लिए हमने ये चावल और चने की दाल भिगोया था। 4 घंटे हो गए हैं और ये फूल गई है। हमने इसको अच्छे से साफ कर लिया। और ये हरी मिर्च लिया है हमने, ये हरा धनिया काट कर रख लिया है। और ये मसाले डालेंगे, तो खड़ा धनिया लिया है, जीरा लिया है, हरी मिर्च और 4 से 5 कली लहसुन की लिया है। ये जावित्री लिया है छोटा सा टुकड़ा, और ये दालचीनी लिया है, 1 इलायची ली है। इन सब मसालों को हम पीस लेते हैं। ये हल्दी लिया है, नमक, लाल मिर्च पाउडर लिया है। अब इन मसालों को पीस लेते हैं। और ये जो चने की दाल और चावल है इसको भी पीस लेते हैं। इसको हम बहुत बारीक नहीं करेंगे, थोड़ा सा गड़बड़ा रखेंगे। ये चावल और चने की दाल का पेस्ट हमने पीस लिया है और ये मसाला पीस लिया है। अब ये लौकी छील कर काट लेते हैं। ये लौकी हमने छील लिया है, अब इसके हम गोल गोल पीस काट लेते हैं। इसको हम पतला पतला और गोल गोल काट लेंगे। लौकी हमने काट लिया है, अब इसका हम बीज निकाल देते हैं। ये लौकी हमने काट कर इसके बीज निकाल दिए हैं। अब इस पेस्ट को तैयार कर लेते हैं। ये चना दाल और चावल का पेस्ट, इसमें हम 1 चम्मच हल्दी डालेंगे। ये 1 चम्मच मिर्चा डालेंगे। और ये मसाला पीस कर हमने रखा था उसको भी इसी में मिलाएंगे। एक चम्मच इसमें नमक डालेंगे। आप चाहें तो बेसन का भी बना सकते हैं, लेकिन ये चावल और चने की दाल का टेस्टी ज्यादा अच्छा कुरकुरा बनता है। इसमें हम हरी धनिया डालेंगे, हरी मिर्ची डालेंगे, इसको भी मिला लेते हैं। ये पेस्ट तैयार कर लिया है और इधर तेल गरम हो गया है। अब हम भड़े बनाते हैं। इसको अच्छे से इसमें लगाना है ये पेस्ट। ये बड़े खाने में बहुत टेस्टी होते हैं और कुरकुरे भी होते हैं। इनको हम धीमी धीमी आंच में सेकेंगे। ये बड़ा पक गया है, अब इसको हम निकाल लेते हैं। इनको आप धीमी धीमी आंच में सेकें, लौकी पक जाए अंदर तक, इस तरह से सेकना है। इसी तरह हम सारे बड़े बनाते जाएंगे।
ये बड़ा भी पक गया है, इसको भी निकालेंगे। इसी तरह हम सारे बड़े जैसे जैसे पकते जाएंगे निकालते जाएंगे और धीमे धीमे आप में सेकेंगे। ये आप देख सकते हैं एकदम क्रिस्पी हो गए हैं। ये सारे बड़े बन गए हैं, अब हम गैस बंद कर देते हैं। बहुत क्रिस्पी बने हैं और ये खाने में भी बहुत टेस्टी होते हैं। आप देख सकते हैं ये कितने क्रिस्पी बने हैं, ये देखिए, और ये देखिए, बहुत अच्छे बड़े लगते हैं। ये आप किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं, अपनी मनपसंद चटनी के साथ, और ऐसे भी खा सकते हैं, इसमें इतना मसाला पड़ा है, ऐसे भी टेस्टी लगते हैं बिना चटनी के। ये लौकी के बड़े की रेसिपी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।